Hey guys, welcome to my channel. Guys, आज की क्लास में हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिसे हम पीओपी भी कहते हैं को किस में संग्रहित करते हैं, धातु पात्र में, नमीरोधी पात्र में, रोधी पात्र में या शीशे के पात्र में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नमीरोधी पात्र में। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीओपी आप जानते होंगे घरों में इस्तेमाल की जाती है, यानी जब दीवारों पे लगाया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टार्टरिक एसिड जो होता है निम्न से किसका संघटक है, वॉशिंग पाउडर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ब्लीचिंग पाउडर का या बेकिंग पाउडर का। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वह है बेकिंग पाउडर का, यानी टार्टरिक एसिड जो होता है वो बेकिंग पाउडर का संघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा एक प्रबल अम्ल है, यानी ये जो एसिड दिए हुए हैं चार, इनमें से प्रबल एसिड कौन सा है, हार्ड एसिड कौन सा है, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है से कौन एक अक्रिय गैस है, यानी सॉरी नहीं है, इन चारों में से तीन अक्रिय गैसें हैं और एक अक्रिय गैस नहीं है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके पास आर्गन, हीलियम, ब्रोमीन या क्रिप्टॉन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन क्या है, एक अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो तत्व हैं एक्स और वाई जिनका परमाणु द्रव्यमान जो है वो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 और 21 हैं। तो एक्स और वाई क्या कहलाएंगे, सम्यूट्रॉनिक, आइसोमर, संभारिक या समस्थानिक। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संभारिक, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रासायनिक रूप से क्वार्ट्ज निम्नलिखित में से क्या है, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड, ब्यूटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड या एसिटिक एसिड। आपने देखा होगा कि दूध गर्मियों में क्या होता है, खट्टा हो जाता है अगर आप उसको बार बार गर्म ना किया जाए, तो उसमें कौन सा एसिड जनरेट होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संगमरमर किसका रूप है, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम सिलिकेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या कैल्शियम कार्बोनेट का। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, जिंक सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, साइट्रिक एसिड या सोडियम सल्फेट। तो गाइस यहाँ जो राइट आंसर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि खाने का सोडा होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कभी अगर हमें कोई चीज पकानी हुई तो हम खाने के सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, रक्त समूह की जांच के लिए, आहार नली के एक्सरे के लिए, मस्तिष्क के एक्सरे के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आहार नली के एक्सरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रूबी के लाल रंग का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमियम ऑक्साइड या कॉपर सल्फेट। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से लाल रंग होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होता है, 25%, 0%, 75% या 80%। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0%। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या होता है, 0% होता है। फिर कह रहे हैं कि सबसे भारी, यहाँ ये रिपीट हो गया है, यानी ये स्लाइड क्या हो गई है, रिपीट हो गई है। फिर से देखते हैं। तो हम कहाँ थे, हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, एल्युमिनियम, आयरन, सिलिकॉन या यूरेनियम। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम क्या है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा रसायन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
क्वेश्चन में कह रहा है कि वह शर्करा जिसमें मीठे की मात्रा न्यूनतम होती है, सुक्रोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज या ग्लूकोज। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो आपका लैक्टोज। लैक्टोज में क्या होता है, शर्करा की मात्रा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नाम कौन सा है, एनब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, टू मिथाइल प्रोपेन या वन मिथाइल प्रोपेन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, टू मिथाइल प्रोपेन। आइसोब्यूटेन का जो आईयूपीएसी नाम है वो है टू मिथाइल प्रोपेन, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस, एथेन गैस, प्रोपेन गैस या ब्यूटेन गैस। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलपीजी का मुख्य संघटक कौन सा है, प्रमुख, एथेन, ब्यूटेन, पेंटेन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्यूटेन क्या है, एलपीजी का प्रमुख संघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि पाक गैस किसका मिश्रण है, सॉरी ऑप्शन आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और इथिलीन या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। पाक गैस जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि मीथेन जिसका जो फॉर्मूला होता है रासायनिक होता है CH4 के अणु में है, केवल एकल बंध है, केवल द्विआबंध है, केवल त्रिआबंध है या एक एकल और द्विआबंध है। तो जब इसकी एटॉमिक संरचना आप बनाएंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से बंध है। तो यहाँ का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एकल बंध है, क्यों, क्योंकि सी ऐसे रहता है और चारों तरफ इसके क्या एच जुड़े होते हैं, तो इसकी जो संरचना होती है वो कंप्लीट हो जाती है, इधर भी एच, इधर भी एच और इधर भी एच, तो ये होती है एटॉमिक संरचना। तो इसमें क्या होता है, एकल बंध होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एथिनिक एसिड, ईथर, इथाइल इथेनॉइट या फॉर्मिक एसिड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इथाइल इथेनॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जस्ते के बजाय टिन का लेप चढ़ा होता है, क्यों, जस्ता टिन की तुलना में कम अभिक्रियाशील है, जस्ता टिन की तुलना में महंगा है, जस्ते का गलनांक टिन की तुलना में अधिक है, जस्ता टिन की तुलना में अभिक्रियाशील है। यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जस्ता टिन की तुलना में अभिक्रियाशील क्या है, कम है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी जस्ता टिन की तुलना में क्या है, अभिक्रियाशील है, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि परमाणु सक्रियता की खोज निम्न में से किसने की थी, रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, थॉमसन ने या हेनरी बेकुलर ने। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किसमें होता है, सबमरीन नोदन में, फ्रोस्ट मुक्त रेफ्रिजरेटर में, रॉकेट तकनीकी में या सुपर कंडक्टिविटी में। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा रॉकेट तकनीकी में, क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग रॉकेट तकनीकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का सेट प्राथमिक जिम्मेदार है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम का, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस का या कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम का। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का सेट जरूरी होता है पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि भारतीय मंगल मिशन जो था मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, श्रीहरिकोटा, त्रिवंतपुरम, चांदीपुर या पुडुचेरी। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या करना है आपको, गलत कथन का चयन करना है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से 2 सही है और 1 गलत है, जो गलत है उसी का आपको फाइंड आउट करना है। पहला है, जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसके आयतन में कमी आती है, तो क्या ये गलत है, यानी पहले में हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस क्वेश्चन के बिहार पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है। फिर कह रहे हैं ग्लिसराल जो है ग्लिसरीन वो एक अल्कोहल, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि कांच यथावत ठोस नहीं है, ये भी सही है, कांच बिल्कुल मतलब पूरी तरह से ठोस नहीं है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, ये भी सही है। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत था, तो क्वेश्चन के बिहार पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया। फिर कह रहा है कि जब पीले फास्फोरस की NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है, NH3, CH4, PH3 या CO2। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा PH3। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य पदार्थों यानी खाद्य वस्तुओं की प्रक्षालन हेतु किसको हटाने के लिए किया जाता है, क्लोरीन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को या जल को।
यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन को हटाने के लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उन्हें क्लियर कर सकूं। इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट भी हुए हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।